राहुल गांधी ने कल एक नए स्कीम का दांव चला है। इस स्कीम के जरिए राहुल देश के गरीबों को साधना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी और बाकी कांग्रेस विरोधी पार्टियां राहुल के इस दांव से खुश नहीं है। सवाल यह है कि राहुल ने जो वादा किया है, क्या वो वादा पूरा हो पाएगा? हमने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को 2019 के बाद कांग्रेस पार्टी वाली सरकार गारंटी करके न्यूनतम आमदनी देने जा रही है। कर्ज माफी को हथियार बनाकर तीन राज्यों का किला जीतने के बाद राहुल गांधी ने लोकसभा का चुनाव जीतने के लिए बड़ा दांव चला है। छत्तीसगढ़ की एक सभा में राहुल ने देश के गरीब जनता से न्यूनतम आमदनी गारंटी योजना का वादा किया है। अब हिंदुस्तान में ना कोई भूखा रहेगा, ना कोई गरीब रहेगा। राहुल जिस न्यूनतम आय की गारंटी की बात कर रहे हैं, उसके मुताबिक देश के हर गरीब व्यक्ति के खाते में सरकार एक तय रकम डालेगी। जनता से सिर्फ नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के गरीब लोगों से कह रहा हूँ, इस मंच से कह रहा हूँ, जो मैं कहता हूँ वो मैं पूरा करके दिखाता हूँ। राहुल की इस चुनावी स्कीम को ऐतिहासिक बताते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जोर शोर से इसके प्रचार में जुट गए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आय की गारंटी का वादा तो कर दिया है, लेकिन इस वादे को जमीन पर उतारने का प्लान अभी बनाया नहीं है और कांग्रेस किन शर्तों पर इस स्कीम को लागू करेगी ये भी कुछ साफ नहीं, क्योंकि तेंदुलकर कमेटी के मुताबिक देश में 27 करोड़ लोग गरीब हैं। स्कीम लागू होने पर देश की जीडीपी पर करीब 7 लाख करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा। न्यूनतम आय का सपना दिखाकर वोटरों को सेट करने में जुटी कांग्रेस पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोलते हुए कहा है कि गरीबों के लिए न्यूनतम आय गारंटी प्रदान करने का राहुल गांधी का दावा कांग्रेस की सैकड़ों घोषणाओं की तरह ही है, जिन्हें लागू नहीं किया गया। उनकी पार्टी केंद्र में 58 साल तक सत्ता में रही और हजारों घोषणाएं की, यदि उन्हें लागू किया गया होता तो गरीबों का और देश का चेहरा अलग होता। कुछ इसी तरह की बात मायावती भी कह रही हैं। वैसे राहुल गांधी के इस चुनावी लॉलीपॉप को लेकर कई सवाल हैं, कुछ सवाल एक्सपर्ट के मन में भी हैं। यूपीए 1 में इन्होंने रूरल इनकम एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी थी। एम्प्लॉयमेंट गारंटी का मतलब है कि उन्होंने कहा था कि हम आपको साल में 100 दिन काम देंगे। अब काम की बात नहीं है, अब ये बात है कि हम आपको काम करें या ना करें हम आपको पैसा दे देंगे। जब कोई भी सरकार इस तरह का वायदा करती है तो उसको ये जरूर देखना चाहिए कि क्या देश में के बजट में इतने प्रावधान हैं कि वो देश की गरीब जनता को इस तरह की राशि दे सकती है या ना दे सकती। सवाल जो भी हो, लेकिन एक हकीकत ये है कि राहुल गांधी ने बीजेपी से पहले न्यूनतम इनकम का लॉलीपॉप दिखाकर देश की राजनीति में नई चर्चा तो शुरू ही कर दी है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।